और वेलकम टू लॉन्ग टर्म शेयर्स। आप सभी का देखिए हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए यहाँ पे लाल बटन सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं। कितने शानदार वीडियोस हैं, के RBL करोड़पति नहीं अरबपति बनाते हैं ऐसे स्टॉक। इनके सारे वीडियोस देखिए और देखिए अच्छे वीडियोस बुरे वीडियोस हमने दोनों बताए हैं। बुरे वीडियोस से आप दूर रहिए, उन स्टॉक्स से दूर रहिए और अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए और अच्छा रिटर्न कमाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही चर्चित स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ऑटो सेक्टर की कंपनी है अशोक लीलैंड लिमिटेड, अभी गिरता ही जा रहा है। तो देखिए आज है 25 मार्च, 12:26 है और 88 रुपये का, 88 रुपीज़ का यहाँ पे भाव चल रहा है और 1 रुपये 40 पैसे की गिरावट है यहाँ पे। 52 वीक लो था 77 पे, यहाँ तक टूटा था और हाई इसका था 167 का। ये देखिए यहाँ पे हम एक साल का चार्ट है, हाई से नीचे ही जा रहा है, नीचे की ओर ही जा रहा है पिछले एक साल से। तो हालांकि देखा जाए तो पूरी तरह ऑटो जो सेक्टर है वही डाउन साइड है, चाहे मारुति सुजुकी के स्टॉक्स ले लें, चाहे आप आयशर मोटर्स के ले लें या टाटा मोटर्स के, तो और ही हालत ख़राब है। उस पर भी जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि उनका जो JBLR का जो फॉरेन की जो उनकी फैक्ट्री है, वहाँ से जो जागुआर लैंड रोवर बनाते थे उसमें भी थोड़ा संकट चल रहा है। तो उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आइए हम अशोक लीलैंड के बारे में आज बात करते हैं कि इस समय इस छोटी प्राइस के बड़ी कंपनी में क्या करना चाहिए। सेंटीमीटर में लोग कह रहे हैं 76% की बाई कर लीजिए, 21 कह रहे हैं सेल और 3% कह रहे हैं कि होल्ड। 25,832 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। EPS हम आगे देख लेंगे, PB हम आगे देख लेंगे। बुक वैल्यू है 28 की और प्राइस टू बुक है 3.13 की, इंडस्ट्री पी है 25 की और डिलीवरेबल है 16% के आसपास। इस पे हम नेट कर्ज़ा देख लेते हैं क्योंकि कर्ज़ा देखना बहुत ज़रूरी होता है, कर्ज़े से लोग उबर नहीं पाते जल्दी। और अभी नेट डेट है इस पे 515 करोड़ का। अब देखिए गुड क्वालिटी कंपनी है, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। अशोक लीलैंड हमारे आसपास कितने ट्रक बसेस चलते रहते हैं आप भी जानते हैं, बड़ी कंपनी है और बहुत सालों से है, ये बहुत पुरानी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ है 22.27% की, EBIT ग्रोथ है 72.28% की और नेट डेट टू इक्विटी है 0.228, एक से कम है, अच्छी बात है। और प्लेस्ड गिरवी शेयर्स हैं 4.33 के, हम आगे देख लेंगे। और देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी दिखा रहा है जो इस समय प्राइस और अर्निंग पर। बट मैं ये एक चीज़ और मानता हूँ कि जो ये इन्फॉर्मेशन है जो हम किसी वेबसाइट डेटा से, चाहे मनी कंट्रोल हो, चाहे मोजो हो, चाहे investing.com हो, ये सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट स्थिति में देखते हैं। और ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये टोटल कैलकुलेशन करके बताती हैं कि इस समय इस कंपनी में क्या स्थिति है, लेकिन हमारे ऊपर सूझबूझ के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की कंपनी है, आगे कहाँ तक जाने वाली है। तो ऐसा नहीं कि ये एक्सपेंसिव पे दिखा रहा तो हम इस पर ध्यान ही ना दें। तो पी रेशियो इसका 13.78 का और ROCE है इसका 44.88% का। ROE देखिए 26.93 का, ज़बरदस्त है। और फाइनेंशियल ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव में है, स्कोर 6 है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो उस हिसाब से रिटर्न भी अभी नहीं दे पा रहा है। और फिलहाल रिटर्न यहाँ पे देखिए 10 सालों में अभी भी अच्छा ही है, 900% के करीब, बहुत ही अच्छा है। 10 सालों में आपके पैसे को करीब 900% का रिटर्न, मतलब 9 गुना कर दिया है। 5 ईयर्स में 335% का रिटर्न है, 4 ईयर में 30%, यहाँ से थोड़ा सा अभी जो 3 सालों में 16% का माइनस पे नेगेटिव है और 2 सालों में भी यहाँ पे 0.92%, मतलब ना के बराबर है यहाँ पे। और 1 ईयर में 37% के नेगेटिव रिटर्न है, ईयर टिल डेट में 14% का नेगेटिव है, 6 मंथ में 27% का नेगेटिव, 3 मंथ में 15% का नेगेटिव, 1 मंथ में 6% की अपसाइड है, यहाँ पे ऊपर है, और 1 वीक में 4% की नेगेटिव है, 1 डे में आज भी ये माइनस पे है। तो फाइनेंशियल हम देख लेते हैं इसके। देखिए नेट सेल्स में यहाँ पे 11% करीब डाउन साइड है, दिसंबर 17 से दिसंबर 18 के जो एनुअल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 22% के करीब यहाँ पे लॉस है इनको, नेगेटिव में है, इंटरेस्ट कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे जो है 21% का अगेन जो है यहाँ पे नेगेटिव में है। तो ऑब्वियसली कंपनी थोड़ा अच्छा नहीं कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे 1.5% करीब नेगेटिव में है, प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे इनका डाउन साइड है। शेयर होल्डिंग में देखिए, देखते ही मुझे नज़र पड़ी तो यहाँ पे 4.33 मान हमने आगे देखा ही था,
गिरवी रखे हुए हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी सी ही इन्होंने अपनी होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। 51% की होल्डिंग में 4-4.5% करीब गिरवी रखा हुआ। म्यूचुअल फंड्स की 33 स्कीम्स ने पैसे लगा रखे हैं। FIIs हैं, 436 FIIs हैं और 21.9% की इनकी होल्डिंग है। दैट्स वेरी नाइस। हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड है प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग, हिंदुजा ग्रुप ऑब्वियसली है। और इंडिविजुअल हैं 11% करीब, 12.5% करीब। देखिए ऑटो ट्रक्स है और 1948 से ये काम कर रही है और 2.43 रुपये का लास्ट जुलाई 9, 2018 को इन्होंने डिविडेंट दिया था, जो कि डिविडेंट बहुत ही शानदार है। लार्ज कैप कंपनी है और अपनी इंडस्ट्री में ये नंबर वन कंपनी है। तो दोस्तों अभी हमने ये तो खैर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन देख ली, चार्ट देख लिया। अब ये तो ये बसेज ट्रक आपको आसपास अपने दिखाई देती हुई बहुत बड़ी कंपनी, डिफेंस सेक्टर के लिए भी ट्रक वगैरह बनाती रहती है। तो कम प्रीमियम में अभी जो फ़िलहाल हमको मिल रहा है एक अच्छी धाकड़ कंपनी का। अच्छा होता क्या है कि अभी थोड़ा सा रिजल्ट ख़राब आए हैं और डाउन साइड है, तो क्या हम इसको अवॉइड कर दें, क्या हम इसको छोड़ दें? 10 सालों में भी अभी 900% का रिटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ से अगर आप देखना चाहें तो यही कंपनी जो है एक हमें बड़ी एक हीरा कंपनी हमें कचरे के भाव मिल रही है। मतलब वो एक कहावत है ना कि मतलब लूट लो भर लो भर लो। अभी 87 रुपये इसका प्राइस है। अगर लॉन्ग टर्म पर्पज़ से हर गिरावट में आप भरते जाइए, हो सकता है और नीचे तक जाए, तो धीरे धीरे आप खरीदते जाइए। बहुत अच्छी कंपनी आगे आने वाले समय में आपको ये मालामाल बना देगी। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इसका पास्ट का जो रिटर्न मिला है, प्लस जिस हिसाब से धाकड़ कंपनी, जिस हिसाब से इनको इलेक्ट्रिक बस बनाने का ऑर्डर मिला है। अब देखिए बहुत सारे मैं वेबसाइट पर जाके इनके ऑर्डर्स या फिर बहुत चीज़ें बताऊंगा तो लग जाएगा समय, आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन मोटा मोटी मैंने जो बताया है उस हिसाब से इसमें बुलिश हूँ। फिर भी आप अगर कोई भी ये एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदने या बाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। और होप है कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।